कैसे लग रहे हैं भाई मेरे कपड़े? शकल तो दिखाई नहीं सकता, ऐसे ही देख लो भाई। नई टी शर्ट ली है और पैंट मिली नहीं तो मैंने यही ले लिया, और क्या करे भाई। तो आज मैं भाई और भी तगड़े तगड़े काम करने वाला हूँ। मेरे को गाय वाय चाहिए और अंडे भी यहाँ पर रख रखे मैंने, इनमें से वो निकल रहे हैं ना मुर्गी के बच्चे। आज गाय लाऊंगा मैं अपने घर पे और दूध निकालूंगा, उसको भी बेचूंगा। और एक चीज और, ये देखो छोटा सा, भागना नहीं ठीक है यार, ये परेशान करते है ना मुझे, इसलिए अच्छे नहीं लगते। चल तू बाहर आ। कितना सही लग रहा है भाई, वो आवाज भी निकालता है बेटा। तू बड़ा हो गया ना, वो बनियो जो मेरे काम आ सके। एक इसमें अंडा आएगा, खास खास अंडा, खास अंडा, क्योंकि टाइम हो गया 11 बज गए खास अंडे का। ये रहा, कोई भाग के आएगा पता है मुझे? कोई भी नहीं आया भाग के। लो भाई फिर भी अपना अंडा अपने पास रखो। मेरे पास देखो कितने सारे अंडे, अरे ये देखो कितने सारे अंडे भर गए हैं। बहुत सारे काम कर रहा हूँ मैं, और आज मैं गाय भी लाऊंगा। यार गाय लाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस गाड़ी में तो आएगी नहीं गाय। एक काम करते, थोड़े बड़े पैसे ले लेते हैं, क्योंकि पैसे मिलेंगे तो ही मैं कुछ काम कर पाऊंगा। कौन कौन है भाई? तू आ जा, जाना नहीं बाहर। ओ भाई जैसे ही खोलता हूँ ये इधर क्यों आ जाता? ये फिर से आया ना परली तरफ खोले। आ जा चल पीछे, हाँ हक के बुरा हाल। ओ एक ये भी है, ये ले जाऊं कि ये ले जाऊं, दोनों एक ही जैसे है। भाग के आ जा जल्दी, स्पीड बढ़ा ले। अंडे भी साथ में लेके जाऊंगा, क्या पता पैसे मिल जाए भाई अंडों के। अरे भाई मेरा पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाते चलेंगे। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ऐसे क्यों खेलता हूँ यार। रुक ले थोड़ा आराम से, पेट्रोल भरवाने दे पहले। कभी कभी कमाई होती है पेट्रोल वाले की। ले कमा तू भी, 17 रुपए ही कमा पाया। अब यार जो हमें रेट चाहिए ना वो मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो दिक्कत है, घुसने का रास्ता ही नहीं। क्या क्या चीज है वहाँ पर? चिकन है, बीफ, सोसेज है। अरे यार जंगा दिया करो, इससे अच्छा तो वही है कि मैं ठोक के ऐसे मार दिया करता था गाड़ी ऐसे। ये सही है, कम से कम जगह तो मिलती थी। ठीक है यहाँ पर रेट अभी रोस्टेड मीट का है यार। रोस्टेड रोस्टर तो मेरे पास एक ही है, इनका तो काम कर देते हैं। अंडे वापस लेके आऊंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं बेचने वाला मैं भाई, बर्बर के एक साथ बेचूंगा। अरे भाई बच गया, ये मोटे वाला ही बचा है। तो एक मिनट, एक और आ गया ना वो नमूना, फालतू में नहीं आना। दुकान वाला तो करने वाला है नहीं, हम भी बेच देते ये चीज और ये चीज। अंडों को संभाल के रखते, 87 अंडे हमारे पास। मैं पता क्या करता हूँ, अंडे को अभी संभाल के रखता हूँ, क्योंकि अंडे भाई बहुत महंगे हैं अभी। ये जब डबल रेट आ जाएगा ना अंडों का तब बेचूंगा। एक वो आ गया नमूना भरने के लिए, पर छोड़ देते है भाई अभी मेरा मूड नहीं है। अंडे को बेचेंगे जब इकट्ठे होंगे बहुत सारे। अब लाते हैं अपना मेन मेन सामान आराम से भाई। तो गाय से पहले गाय का सामान चाहिए, जिसमें से एक मिल्क कैन चाहिए होगी, क्योंकि दूध इसी में जाएगा भाई, सीधी बात है। एक बाल्टी और लूंगा मैं, एक 8 स्टील की, स्टील इनमें फर्क क्या है भाई, दोनों तो सेम ही है। और वुड की भी $8 की है भाई, लूट मचा रखी है। चलो तीन चीजें तो ले ही लूं मैं, कम से कम 2 बाल्टी 2 कैन की जरूरत पड़ेगी हमें, पर इतना खर्चा करना सही नहीं है भाई। नई बाल्टी लिया आज मैं, ये यूज करूंगा। और कुछ ले सकता हूँ मैं जो मेरे काम आ सके? क्या मैं दूध से चीज बना सकता हूँ? बना सकता हूँ तो मेरे को एक ये लेना पड़ेगा पैन, और एक चीज लेनी पड़ेगी मेरे को, ये मोल्ड, व्हाइट मोल्ड या ब्लू मोल्ड, चीज बनती है इससे। एक काम करते हैं दोनों चीजें भी ले ही लेते हैं। पता है भाई ये बहुत महंगी है पर प्रॉफिट होएगा इससे। कौन सी कलर की लूं? ये लूंगा इंडियन गाय। आज पहली बार हमारे पास गाय भी आएगी। गाय चल पीछे आ, गाड़ी में तो तेरे बस की नहीं है बैठना। आज से मैं दूध वाला हूँ भाई, अंडे वाला बिजनेस खत्म। अंडे वैसे बेच ही कर रहा हूँ मैं आती। अरे भाई भगना नहीं, एक गाय को लाने में मेरी हालत खराब हो चुकी है भाई, इतनी दूर आना पड़ रहा है। अब दूसरी गाय तभी लाऊंगा जब ट्रक आ जाएगा मेरे पास। मेरे पैर भी घिस गए, चप्पल भी नहीं पहन रखी मैंने तो। अरे भाई रात होने वाली है क्या यार, मैंने तो अंडे भी इकट्ठे नहीं करे अभी तक। भाग भाग क्या था, स्पीड बढ़ा ले अपनी थोड़ी। आज अगर ये दूध का बिजनेस चल गया ना मेरा भाई, अमीर हो जाऊंगा मैं। अमीर तो वैसे अंडों से भी नहीं हुआ। और ये भगोड़ी गाय इधर, क्या क्या करना पड़ता है भाई एक गाय के लिए? वापस से गाड़ी लेके जानी पड़ेगी मुझे घर पे, और अब तक तो दूध का टाइम भी चला गया होगा, सुबह निकालना पड़ेगा दूध। और भाई सुबह हो गई, फटाफट सारे काम करते हैं। गाय वाय भी अभी सो के उठ गई होगी, पहले अंडे ले लूँ, नहीं तो स्पेशल अंडा आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और रेट भी चेक करके आना आज फिर से मुझे अंडों का। और भाई सारे तो यहीं पे ही है, ठीक है। मैं वही तो सोचूं कि अंडे कम क्यों हैं, मुझे अंडे चाहिए। क्या चल रहा है अंदर? आगे से भर रखा है भाई, इनके साफ करो। इतना कौन करता है यार? मैं जा रहा हूँ दूध निकालने अभी। एक ही गाय है, एक ही गाय से भी निकल सकता है भाई। अरे रुक जा भाई, पहले दूध निकालने दे, क्या करना पड़ेगा मेरे को। चलो भाई दूध निकालते हैं, ठीक है, इजी है, आराम से निकालना है, बिल्कुल स्लो स्लो में निकालना है बिल्कुल। ओ भाई दूध खत्म, ठीक है यार, एक बाल्टी तो दूध मिला हमें। इसमें भरते हैं थोड़ा सा दूध, ये लो। अब मैं क्या क्या लाया था, एक तो मैं लाया था ये चीज, ये बड़ी। ओ भाई
मुर्गी के बच्चे और आ गए, इनको रखते हैं ना इसी के अंदर। चलो भाई तुम अंदर जाओ, तुम ज्यादा छोटे बच्चे। अब दूध भी आ गए, वो बर्तन को यूज कर लेते हैं क्योंकि मेरे को चीज बनानी है ना भाई। अब इतना ही दूध है क्या करे, यही कर लेते हैं काम। एक चीज तो बनाएंगे कम से कम। ये रखो यहाँ पे, यार बहुत काम है, तो उठा फुटा के लाओ, फिर रखो, फिर दूध निकालो। ऐसे करते करते तो मैं पगला जाऊंगा यार। कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना जो एकदम से बिना कुछ करे ही काम हो जाए। तो पहले इसमें जाएगा दूध आ गया, उसके बाद इसमें एक अंडा भी जाता है। अंडा डाल देंगे अभी, एक मिनट मैं व्हाइट मोल्ड वाली चीज बना रहा हूँ। बस एक अंडा कोई सा भी ले लो, जो बढ़िया अंडा हो। ये आ गया अंडा, और थोड़ा सा आएगा इसमें ये चीज का, और इसको डा के रख देना है गैस पे। ये लो भाई पकना शुरू हो गया, थोड़ी देर में चीज बन जाएगी। कुकिंग भी आती है भाई मेरे को, तुम मामली मत समझो भाई। ये नहीं पता है बिकेगी कितने में। अरे दूध खत्म हो गया, इतना दूध चाहिए होता है क्या इसमें? एक बाल्टी दूध बन गई वो। ये लो भाई हमारी चीज बनके तैयार, ये रही। पर ये ऐसे नहीं होगी यार, ओ ये बर्तन है क्या? कुछ अजीब सा लग रहा है। इसको सुखाना पड़ेगा, जो कि यहाँ मिलेगी सूखने के लिए जगह। तभी तो यहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास सुखाने के लिए जगह है। अब ये सूखेगी, टाइम लेगी बहुत ज्यादा। एक चीज तो बनाई कम से कम, अब जाएंगे थोड़े और बिजनेस करने। एक अंडा आया होगा ना स्पेशल, 11 बज गए का स्पेशल अंडा ये रहा। चल भाई मोटे वाला पिक किधर है, छुपना नहीं। ओ भाई जाने दे यार, या तो तू हट ले, इसको जाने दे। और ये पगलेट है ना, ये आएगा साइड में निकलने के लिए। ओ बच गया, नहीं आया। चलो भाई दूध निकालने का टाइम आ गया। अरे अभी नहीं आया, ठीक है यार, खा पी तू फिर मौज कर। कितने पैसे नहीं है मेरे पास, एक गाय के लिए भी पैसे नहीं है। सिर्फ मार्केट जाके चेक कर लूँ तब तक क्या रेट चल रहा है। एक मिनट, बैठे बैठे भी यहीं पे हक दिया इसने। क्यों इतना खाता है यार तू, गाड़ी को गंदे मत करियो, मैं बहुत मारूंगा। क्या चल रहा अंदर? दूध है, चीज है। अरे यार तीनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। बेटा तुझे मरना पड़ेगा एक बार, बस अंडे नहीं बेकूंगा, सिर्फ ये बेकूंगा। चलो ये सही है, एक पिक बेका, एक पिक के बदले दो पिक आए, इसे कहते हैं बिजनेस। क्या दूध का टाइम हो गया अभी? 17 तो बज रहे हैं, 16 बज गए, शायद मिल जाए दूध। अरे है दूध, आ गया। दो टाइम निकलता है सुबह शाम। गायें मामूली नहीं है हमारी, बहुत तगड़ी गाय है। इसकी भी चीज ही बनाऊंगा मैं। व्हाइट वाली की जरूरत थी कि ब्लू वाली? यार ब्लू मांगी थी ना वहां पे। ये लो अंडा, अब पकना शुरू। अरे अभी तो आधी भी नहीं हुई, 45% हुई है। एक चीज बनने में इतना टाइम लगेगा भाई? फिर अगर एक चीज बनने में इतना टाइम लगेगा फिर तो भाई मैं पगला जाऊंगा करते करते काम। बहुत कम अंडे आ रहे हैं भाई, गलत बात है। अरे एक मिनट, क्या चट कर गई सारा खाना, ये तो बैग भर भर के खा रहे हैं भाई। ये तो मेरे को कंगाली कर देंगे खुद ही, कितना खाना खिलाना पड़ता है इनको। पानी कम पी रही है, अनाज ज्यादा खा रही है यार। एक दो को लुढ़का दूं क्या इनमें? नहीं यार, एक मिनट, एक कचरा कर दिया होगा मैंने, वो जल गई होगी मेरी चीज। ओ भाई चीज जलना नहीं, नहीं जली, बच गई। इसको भी यहीं साइड में रखो, पकने देते हैं, मतलब कि सूखने देते हैं। सुबह हो गई भाई, काम करने का टाइम आ गया। अब दूध वूध निकालेंगे, बेचेंगे कुछ ना कुछ। एक चीज और बना लूंगा कम से कम, उस पैकेट से 5 चीज बना सकता हूँ मैं। और अभी मेरी बाल्टी यहाँ नहीं होगी ना, मुझे पता था यहाँ ऐसे हो भी कैसे सकती है, अंदर रखी होगी बाल्टी। लगाए दूध दे, मना मत करियो, बहुत सही। अगर मैं सिर्फ दूध ही डाल दूं, व्हाइट मोल्ड ना डालूं, तो फिर क्या बनेगा भाई? दही बन जाएगी क्या? मेरे को चेक करना। अरे एक और बच्चा आ गया चिकन का, सही तो लगेगा ही ना। चलो इसको देखते हैं, अगर एक कुक हो जाए तो पता नहीं इससे क्या बनेगा, पर जो भी है अच्छी चीज बननी चाहिए। कुछ बना इसका? बन रहा है भाई, जल्दी जल्दी हो कुक। ये कुछ तो है पर समझ भी नहीं आ रहा क्या चीज है। खाली दूध उबाल दिया मैंने तो ऐसे ही करके। आज कोशिश करेंगे कि हमारे अंडे बस महंगे हो जाए कैसे भी करके। ओ भाई हिरन, किस्मत तेरी अच्छी है, आराम से ठोकी नहीं भाई, बच गई। कुछ भी चीज नहीं है तीनों में से, व्हाइट मोल्ड है चीज। इसको लेके चलते हैं, अभी बड़ा होने देते हैं भाई, इतना खर्चा करना ठीक भी नहीं है। चलो भाई अब देख लेते क्या क्या हमारे पास चीजें थी। और भाई अब मेरे को एक गन लेनी थी, ये वाली। ये कुछ तगड़ी सी गन लग रही है, स्टनर लग रही है। और मैं चाहूँ तो ये मशीन भी ले सकता हूँ जिससे मैं मीट बॉल वगैरह बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो महंगी है भाई, ले नहीं सकता। नहीं ये अभी रहने देता है, मीट का इसको अलग देखेंगे। अपनी गन ले लेते हैं बस, अब तो मैं एक पिग भी नहीं ले सकता यार। ओ ये क्या गन है, क्या करना पड़ेगा इसका? अरे भाई एक मिनट, ये बंदूक निकालो। अरे ठीक है भाई, ये कुछ चीज है, कोई पगला ही है ना मुर्गी कुछ कह तो। अरे ठीक है यार, अब इसका देख लेते हैं इसका क्या काम है। इसी पे चलाऊंगा मैं, ये बड़ी बन रही है ना, चल। अरे कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, क्या किस काम के लिए है? पता नहीं किस काम के लिए है, मैंने ले लिए फालतू में। मेरे को बताना भाई ये क्या चीज है, बड़ी अजीब लग रही है, पैसे खर्च कर दिए ना मैं इस पे। और वो बनी अभी चीज वीज,
एक बन गई 100% हो गई, काली क्यों हो गई। लेकिन चलो रेट पता करके आते हैं, व्हाइट मोल्ड चीज का क्या रेट है। ये व्हाइट मोल्ड ही है ना, नाम तो आई नहीं राइस पे। 198 रुपए मिलेंगे एग व्हाइट मोल्ड के साथ है ये। अच्छा व्हाइट मोल्ड नहीं है, इसमें एग भी है व्हाइट मोल्ड का है, जो कि 198 की बिकेगी। मतलब इतनी मेहनत करूं अगर मैं चीज बनाने में तो मैं लूट जाऊंगा। सही टाइम देखना पड़ेगा मुझे, मतलब चीज बना बना कर रखनी पड़ेगी बहुत सारी, 100 200 200। खाना वाना खत्म कर दिया होगा उन्होंने भाई, पूरा ही खत्म कर देते एक ही बार में। क्या लोग है, बहुत भरना पड़ता है खाना यार। दूध तो मैंने सुबह निकाल लिया था, मुझे बस पिग मारना है। ओ ये बन गई चीज, ये खाली मामूली चीज है जो कि सिर्फ दूध डाल के बन जाती है। सही यार, अरे इसको ऐसे हाथ में लेके क्यों घूम रहा हूँ मैं, इसमें रखो। ये चीज़ बनने में टाइम लगेगी थोड़ा, अब से चीज़ का। अरे तू बाहर कैसे रह गया। तो भाई आज का तो काम हो गया मेरा, अंडे वंडे भी इतने इकट्ठे हो गए। तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गेम के एपिसोड में।